हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिकास किचन। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बटर स्कॉच बंट केक की रेसिपी। इस रेसिपी में मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज किया है जिससे ये केक और भी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 बड़े चम्मच दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर, और इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग छान लेंगे। छान कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। 1/2 कप रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे, उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस या फिर एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। और बंट केक मोल्ड को ऑयल या फिर बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे और उसमें लगाएंगे 1 बटर पेपर इसके शेप में काट के। अब एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 50 ग्राम बटर, रेगुलर बटर है ये, सॉल्टेड अमूल वाला, और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 कप पाउडर शुगर। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 3/4 कप पाउडर शुगर लेंगे। अब हम डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है मलाई। घर की जो दूध की ताजी मलाई है वो मैंने डाला है 1/4 कप। इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए मिलाएंगे 2 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे जो विनेगर डाला हुआ दूध था वो, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच बटर स्कॉच एसेंस। अगर आपको वेनिला फ्लेवर का केक बनाना है तो आप सेम रेसिपी के साथ बना सकते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 कप दूध और डालेंगे। तो अगर आप वेनिला फ्लेवर में ये केक बनाना चाहते हैं तो आप बटर स्कॉच एसेंस की जगह पर वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। अब ये जो 1/2 कप दूध हमने डालना है इसे हम 2 बैचेस में डालेंगे, और ध्यान इस बात का रखना है कि हमारा बैटर बहुत पतला ना हो जाए। ऐसा टेक्सचर होना चाहिए केक के बैटर का। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बटर स्कॉच कर्नल्स। ये बेकरी सप्लाईज जहाँ पे मिलते हैं वहां पर आसानी से मिल जाता है, आजकल तो बहुत सारे ग्रोसरी शॉप में भी ये मिल जाता है। और अब हम इसे डालेंगे हमारे प्रिपेयर किए हुए टिन में, जो बन केक मोल्ड है उसमें हम डाल देंगे। आप सेम रेसिपी के साथ राउंड या फिर स्क्वायर मोल्ड में भी बना सकते हैं केक। इस तरह से 3-4 बार पैट करने के बाद हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर, करीब 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। जब केक थोड़ा ठंडा हो जाए, करीब 15 से 20 मिनट इसको ठंडा कर लिए, उसके बाद इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है केक और बहुत टेस्टी भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।